पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जिस पर आप अनवरत ज्योतिष शास्त्र संबंधित जो गूढ़ जानकारियां हैं उनको आप ग्रहण कर रहे हैं। और इस समय आपको हम तिथियों के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जितनी भी तिथियां होती हैं, इन तिथियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर आपका अमुक तिथि में जन्म हुआ है तो आपका उस तिथि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, तिथियों के क्रम में आज षष्ठी तिथि के विषय में आज हम जानकारी लेकर के आए हैं। प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक सभी तिथियों के विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, और तिथियों के बाद फिर नक्षत्र और वार, किस वार में कौन सा कार्य करना चाहिए और किस वार में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसके जीवन में उस वार का क्या महत्व रहेगा। इसके अलावा नक्षत्र, किस नक्षत्र में और उस नक्षत्र के किस चरण में क्या जन्म होने पर क्या महत्व होता है, नक्षत्रों के बाद राशियां और राशियों के बाद लग्न, लग्न कुंडली के अध्ययन के लिए प्रथम में आपको वार, तिथि और नक्षत्र के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मित्रों, आज षष्ठी तिथि के बारे में आप जानिए कि आखिर इसका अपने जीवन में क्या महत्व है। ज्योतिष की दृष्टि से षष्ठी छठवीं तिथि मानी जाती है, और चंद्रमास के दोनों पक्षों की जो षष्ठी तिथि होती है यह शुक्ल पक्ष में आने वाली तिथि शुक्ल पक्ष की षष्ठी और कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि कहलाती है। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान शिव और देवी पार्वती के परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र स्कंद कुमार, जिन्हें हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। स्वामी कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं के सेनापति भी हैं। तो षष्ठी तिथि में जिस पक्ष में रविवार व मंगलवार के दिन जो षष्ठी तिथि पड़ती है वह दिन मृतदायक होता है। मित्रों, इस षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार और रविवार पड़ जाए तो यह योग घातक होता है, और इस योग में कोई आवश्यक कार्य हमको नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत यदि षष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन होती है तो वह सिद्धदायक होती है, यह नंदा तिथि है, तथा तिथि के शुक्ल पक्ष में शिव जी का पूजन का मुहूर्त शिववास भी रहता है, पर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को शिववास नहीं होता। षष्ठी तिथि में जो काम किए जाने हैं उसमें सर्वप्रथम जो तिथि का महत्व है वह सभी कार्यों में सफलता देने वाला है, और इस तिथि में कठोर कर्म करने की बात कही गई है। हमको यदि पत्थर तोड़ना है, लोहा काटना है, मकान बनाना है, लकड़ी काटना है, इस तिथि में कठोर कर्म करने के लिए कहा गया है। जो कठिन कार्य जैसे घर बनवाना, शिल्प के कार्य, युद्ध में कहीं चढ़ाई करना है, लाए जाने वाले शस्त्र बनाने हैं इत्यादि, इस तिथि को कार्य करना अच्छा होता है। ऐसा कोई भी कठोर कार्य करने वाले जिसमें सफलता की इच्छा रखने वाले हों उनके लिए इस तिथि के दौरान किया जा सकता है। मेहनत के काम को भी इसी दौरान, हम कठिन परिश्रम को भी इसी दौरान हम कर सकते हैं। कहते हैं कि मेहनत के जो कार्य होते हैं वह वास्तु कर्म, गृह आरंभ कार्य और जो नवीन वस्त्र पहनने जैसे काम, वो इस तिथि में किए जा सकते हैं। षष्ठी तिथि में जिनका जन्म होता है वह व्यक्ति बड़े घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, उनको यात्रा करना बहुत
अच्छा लगता है। और अपने इसी शौक के कारण वे जातक देश और विदेश घूमते हैं और घूमने के मौके मिलने पर उनको वह गंवाते नहीं हैं। नित्य नए स्थानों पर जाना और उस पर माहौल समझने की कोशिश करना, ये खष्टी में जन्म लेने वाले जातकों का विशेष गुण होता है। कुछ न कुछ नई खोज अपने जीवन में करते रहते हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के गूढ़ तत्व को भी जानने का प्रयास वह अवश्य करते हैं। इसलिए यदि षष्ठी तिथि में किसी का जन्म हुआ है तो वह खोज के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। स्वभाव से तो थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा आक्रामक होते हैं और किसी भी वस्तु को हासिल करने के लिए वह निश्चित रूप से बल प्रयोग करते हैं तथा उन्हें पेट में कुछ समस्या रहती है, उदर रोग के रोगी होते हैं। इसलिए षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातकों को यह चाहिए कि वह भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। इस तिथि में यदि जन्म लेने वाले जातक संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं, जातक में जोश और उत्साह बहुत होता है पर अपने कामों के लिए वह दूसरों पर निर्भर रहने की इच्छा कम रखते हैं। स्वयं से हर काम करने का उनका स्वभाव होता है। अपने काम को करने के लिए लगातार वो प्रयास करने से दूर नहीं हटते। कार्य हो या ना हो पर सतत प्रयास करते रहना, यह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। यदि आपने फल की इच्छा, फल का बहुत प्रयास किया, कर्म नहीं किया तो वह फल संदिग्ध हो सकता है। पर यदि आपने पूर्ण रूप से यह निश्चय कर लिया है कि हमको अमुक वस्तु प्राप्त करनी है तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जाकर जापर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। यदि पूरी निष्ठा पूरे विश्वास से हम किसी वस्तु को हासिल करने में लग जाएं तो इस संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करना इस तिथि के जन्मे जातकों के लिए कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और वह स्वयं अधिक से अधिक परिश्रम करना पसंद कर सकते हैं। वो जातक थोड़ा गुस्सा अधिक होता है, उनके स्वभाव में मेलजोल की भावना कम हो सकती है। वह स्वयं से अधिक अपने आप में रहना पसंद करते हैं। दूसरों की नकल करना या दूसरों पर निर्भर रहना या दूसरों की कॉपी करना उन्हें कम पसंद है। वह जातक दूसरों को समझता है तभी अपने मन की बात औरों से वह शेयर नहीं करते। वास्तव में ये एक अच्छा गुण है। यदि षष्ठी तिथि को आपका जन्म हुआ है, ऐसे भी यदि आप अपने मन की बात किसी को बता देंगे तो निश्चित रूप से उस बात का जो बल है वह कम हो जाता है। रामायण में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि योग युक्ति व्रत मंत्र प्रभाव फुरै तबहि जब करिय दुराऊ। योग युक्ति मंत्र योजना ये तभी सफल होते हैं जब हम इसको कम से कम लोगों को बताते हैं। यदि हम बहुत से लोगों को अपनी योजना बता देते हैं तो वह कार्य संदिग्ध होता जा है। कहते हैं कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। इसलिए ये लोग अपनी परेशानी और आराम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। इन्हें मनाना आसान नहीं होता। यदि यह नाराज हो जाएं तो फिर ये नाराज ही रहते हैं लेकिन जल्दी ये किसी से नाराज नहीं होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, जिससे इनका मतलब नहीं रहा उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन यदि असंतुष्ट हो जाते हैं तो फिर इनको समझाना, इनको मनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे लोगों से अपनी दूरी मेलजोल इस हिसाब से रखिए जिससे कि इनसे कोई अपयश ना हो। बहुत जल्दी किसी को पसंद नहीं करते ये, लेकिन अगर कोई इनको पसंद आ जाए तो फिर उनके प्रति इतना निष्ठा भाव रखते हैं कि पूर्ण रूप से उन पर उनकी श्रद्धा रहती है। कई बार तो अपनी जिद के कारण कुछ बातों पर ये असफल होने पर निराशावादी भी हो सकते हैं। कई बार ये अपनी आत्म हानि भी कर सकते हैं क्योंकि क्रोधी बहुत होते हैं। इसलिए निराशावादी होकर के कई बार तो
आत्मघात करने के लिए भी ये सोच लेते हैं। गुस्से के कारण इतना परेशान हो जाते हैं कि वह सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरे इससे परेशान रहेंगे लेकिन अपने व्यवहार में माहौल के अनुरूप ढलने की कोशिश करते हैं। इसलिए षष्ठी तिथि में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से अपना नुकसान करना, क्रोध करना किसी भी कार्य की सफलता का लक्ष्य नहीं है। यद्यपि 24 अवतारों में भगवान का भी एक क्रोधावतार हुआ और उस क्रोध के जरिए उन्होंने माहौल बनाने की बहुत कोशिश की। भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया लेकिन बहुत लोकप्रियता उनको हासिल नहीं हुई। इसलिए बहुत क्रोध करना या अपने आप का कोई नुकसान कर लेना यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। षष्ठी तिथि को जो मुख्य रूप से मनाए जाने वाले पर्व हैं उनके दौरान षष्ठी तिथि में बहुत से उत्सव होते हैं जिसमें स्कंद षष्ठी छठ का पर्व होता है, बहुत ऐतिहासिक पर्व है। हल षष्ठी, चंदन षष्ठी, अरण्य षष्ठी नामक पर्व इस षष्ठी व्रत को मनाए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी रूप में षष्ठी का प्रकृति से बहुत बड़ा संबंध है, जीवन को बहुत प्रभावित करता है। और हल षष्ठी तो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में होता है, इसको हल षष्ठी कहते हैं। और इसी दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था इसीलिए यह हल षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम जी थे उनका जन्म होने के कारण हम हल षष्ठी के रूप में मनाते हैं और इस दिन उनके शस्त्र अर्थात हल का पूजन भी करते हैं। इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए माताएं संतान सुख की कामना से सुंदर दीवाल में हल षष्ठी माता का रूप बना करके षष्ठी देवी का पूजन करती हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं और हल षष्ठी व्रत रखती हैं। इस हल षष्ठी व्रत में माताएं पूरे दिन जोते बोए हुए जहां पर हल चला है जमीन में न वहां का खाती हैं और न वहां जाती हैं। इस तरह से स्कंद षष्ठी के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी कहते हैं। इससे नाम से मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव के पुत्र स्कंद का जन्म हुआ था। स्कंद षष्ठी के दिन व्रत और भगवान स्कंद की पूजा का विधान है। चंद्र षष्ठी कुंवार महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कहते हैं। इस समय पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात्रि का समय चंद्रमा को अर्घ देकर के उनको प्रसन्न किया जाता है, दूध का जल का अर्घ देते हैं। इस तरह से यह भगवान चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चंपा षष्ठी जो है ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य षष्ठी व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। भगवान सूर्य की पूजा के साथ गायत्री मंत्र का जप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और इस दिन किए गए व्रत एवं पूजा पाठ सौभाग्य और संतान आरोग्य को प्रदान कर देने वाला यह भारत के पूर्वी भाग में बहुत प्रचलित पर्व के रूप में मनाया जाता है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को पूजा और स्तुति करते हैं और आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करके षोडशोपचार विधि से पूजन करके यह षष्ठी तिथि संतान के सुख जीवन में सौभाग्य को दर्शाती है। इस तिथि को आने वाले व्रत भी इस तिथि की सार्थकता को दर्शाते हैं। यह नंदा तिथि को शुभ तिथियों में स्थान प्राप्त है, इसलिए इस तिथि में मौज मस्ती से भरे काम करना भी अच्छा होता है। भगवान सूर्य की आराधना करना अच्छा होता है क्योंकि भगवान सूर्य ज्ञान और विज्ञान के स्वामी हैं और हम अपने जीवन में जो भी हिंदू सनातन संस्कृति से संबंधित हैं और कोई पूजा करे न करे लेकिन प्रातः सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देते हैं। और मित्रों यदि आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दे करके गायत्री मंत्र के द्वारा उनका अर्चन करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। किसी भी सरकारी
नौकरी, सरकारी संपत्ति, सरकारी कार्य को सफल बनाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना नित्य हमको अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।